हथीन के सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हथीन खंड वासियों व स्कूली बच्चों को साइबर सुरक्षा व नशे के खिलाफ किया गया जागरूक। पुलिस प्रवक्ता कार्यालय पुलिस अधीक्षक पलवल से प्राप्त जानकारी के अनुसार चल रहे साइबर जागरूकता महाअभियान के तहत जिला पुलिस अधीक्षक पलवल श्री राजेश सुग्गल आईपीएस के कुशल मार्गदर्शन में प्रतिदिन अनेक प्रकार से लोगों को साइबर अपराध के प्रकार एवं बचाव के बारे में जागरूक कर रही है। जिला पुलिस के साइबर क्राइम थाना पलवल टीम के साथ साथ थाना एवं चौकी स्तर पर आमजन को जागरूक करने का कार्य जोरों से चला हुआ है, जिसका असर भी दिखने लगा है। चूँकि साइबर अपराध की ठगी के मामले में गिरावट भी देखने को मिली है, इसी कड़ी में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज पलवल की रेडियो एफएम 90.4 फ्रीक्वेंसी पर साइबर क्राइम जागरूकता के संबंध में साइबर क्राइम थाना पलवल प्रभारी निरीक्षक सत्यनारायण ने संदेश दिया, जो यह संदेश करीब 2.5 लाख श्रोताओं तक पहुंचा। इससे पूर्व प्रभारी थाना साइबर क्राइम पलवल द्वारा साइबर जागरूकता का संदेश रेडियो एफएम के माध्यम से दिया जा चुका है। इसके उपरांत टीम द्वारा जिला पलवल के खंड हथीन में स्थित सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइबर फ्रॉड व नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए राहगीरी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर श्री विजय पाल सिंह डीएसपी पलवल एवं नोडल अधिकारी साइबर पलवल ने शिरकत की व साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपाय सुझाए। इस दौरान बच्चों द्वारा साइबर राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आधारित 1930 मीटर का पैदल चल मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस अवसर पर नोडल अधिकारी साइबर क्राइम थाना पलवल श्री विजय पाल सिंह, साइबर क्राइम थाना प्रभारी निरीक्षक सत्यनारायण, स्कूल प्रिंसिपल श्री नरेश कुमार एवं सभी शिक्षक तथा स्कूल के करीब 500 छात्र मौजूद रहे। साइबर जागरूकता कार्यक्रम के अंत में सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन नरेश कुमार एवं शिक्षकों ने पुलिस अधीक्षक पलवल श्री राजेश सुग्गल आईपीएस के कुशल मार्गदर्शन में जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस जागरूकता अभियान की प्रशंसा की तथा जागरूकता टीम का तहे दिल से धन्यवाद किया। आज आपके स्कूल में क्या कार्यक्रम था, साइबर पुलिस की तरफ से क्या समझाया गया, क्या सीखने को मिला? हमको आज सिखाया गया कि साइबर क्राइम के बारे में, कि हमने साइबर क्राइम से कैसे बचना है, और हम जैसे फ्रॉड अकाउंट या बातचीत करते हैं, फ्रेंड बन के हमसे रुपए गिरवा डालते हैं और वे हमसे रुपए गिरवाते हैं और वे हमारा बैंक अकाउंट में से रुपये निकाल लेते हैं, इसलिए हम इनके धोखे में ना आए। और हम जैसे बिल, बिजली के बिल, स्कूल फीस और जैसे ऑनलाइन लेते हैं और वह हमसे ले लेते हैं, धोखाधड़ी कर देते हैं और हम उनके धोखे में ना आए। तो क्या करें, आपको अगर कोई फ्रॉड करता है तो क्या हो, कौन नंबर पर कॉल करोगे? 930 पर कॉल करें और वहाँ पर आप हमारे रुपए को अकाउंट में वापस करवाएं, करवाने की उपलब्धता प्राप्त करें। क्या नाम है? सहराज। क्या कार्यक्रम हुआ आज स्कूल में, क्या सीखने को मिला? सर, हमारे स्कूल में बताया है कि आज यहाँ पर क्राइम के बारे में कैसा बचाना चाहिए, तो लोग फ्रॉडबाजी ज़्यादा करते हैं आजकल, तो हम जैसे अकाउंट में से रुपये ले लेना, धोखाधड़ी कर देना, इसलिए ये फ्रॉड बहुत हो रहा है आजकल। तो जैसा कि फ्रॉडबाजी होती है, जैसे बिजली लाइन के लिए बिजली के पैसे लेते हैं, के पैसे के लिए स्कूल फीस के लिए, जैसे कि यह समस्या होती है, तो हमें इसके बचने के लिए 1930 पर कॉल करना है और यह न्यूक्लियर जहाँ चालू हो जाएगी और आपके पैसे आपको। और किस तरह से सावधान रहने के बताया आपको? हमको सावधान रहने के लिए बताया गया है कि हमें किसी के धोखेधड़ी में नहीं आना चाहिए, चाहे कोई कितना भी कोशिश करे, हमें उसके उसमें नहीं आना चाहिए, लालच में नहीं आना चाहिए। और अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती रुपया डलवाए, कुछ भी करे, तो आप पुलिस की हेल्प भी लें और आप बाकी और आपके अकाउंट में से रुपये हो, कोई अन्य चीज़ें हो, तो 1930 पर कॉल करें। और महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका आरओआई 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।